नमस्कार, घड़ी में बज चुके हैं 4। आपको, मुझको, हम सबको है कल दोपहर 2 बजे का इंतजार। मैं इस वक्त खड़ी हूँ अहमदाबाद में, जो है पूरी तरह से तैयार। साबरमती रिवर फ्रंट, अटल ब्रिज आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। लेकिन अहमदाबाद में आप जहाँ जाएं, या फिर कहिए इस वक्त आप भारत में जहाँ जाएं, वहाँ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के फाइनल मुकाबले की चर्चा हो रही है। और बेहद खूबसूरत इस शहर को भी सजाया गया है इस वर्ल्ड कप के फाइनल की तैयारी के लिए। इस शो के दौरान क्रिकेट की बातें भी होंगी धुआंधार। आपके साथ मैं हूँ प्रीति दहिया। हमारे नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट अतुल वासन जुड़ चुके हैं। जल्द ही आपको नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी ले चलेंगे, जहां से मेरे सहयोगी जीएस विवेक हमारे साथ जुड़ेंगे। देखिए, मैं बस अब से 15 मिनट पहले ही अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर उतरी हूं, और वहां पर जिस तरह का खूबसूरत नजारा था वो देखते ही बनता है। जहां देखिए वहां पर वर्ल्ड कप का बुखार छाया हुआ है। पूरे एयरपोर्ट पर जगह जगह कटआउट्स लगाए गए हैं वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के, और लोग जो है फोक संगीत के साथ इस पूरे माहौल को एंजॉय कर रहे हैं। ढोल नगाड़े, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के कटआउट्स, एक फैन विश वॉल भी बनाई गई है, जिस पर कम से कम अभी तक हजारों फैंस ने टीम इंडिया के लिए अपनी विशेस लिख दी हैं। हर कोई यही चाहता है कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कल भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के हाथ में हो, क्योंकि ये वो टीम है जिसने पिछले एक महीने में दिखा दिया है कि वो वाकई वर्ल्ड चैंपियंस बनने के हकदार हैं। 10 के 10 मुकाबले जीतकर रोहित शर्मा की जो सेना है वो फाइनल में इस मुकाबले में पहुंची है और ऑस्ट्रेलिया के सामने खड़ी है, तैनात है। ये साफ नजर आता है कि इस वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप 2023 में अगर किसी टीम ने डोमिनेट किया है तो वो है रोहित शर्मा की टीम, और वो है टीम इंडिया। और लगातार टीम इंडिया का ये प्रदर्शन इतना इंस्पायरिंग रहा है, इतना जबरदस्त रहा है कि किसी को कोई शक नहीं है कि ये वर्ल्ड कप कौन जीत रहा है। तो चलिए, ये वर्ल्ड कप कौन जीत रहा है, ये वर्ल्ड कप कैसे जीता जाएगा, इसमें तो अभी सबका यही मानना है कि टीम इंडिया सबसे बड़ी दावेदार है। रवि शास्त्री का क्या कहना है, आइए वो भी सुन लेते हैं। इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप, दे विल स्टार्ट एज फेवरेट्स इन द फाइनल। दे प्लेड आउटस्टैंडिंगली वेल एंड दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग डिफरेंट, दे जस्ट हैव टू कैरी ऑन फ्रॉम वेयर दे लेफ्ट इन द लास्ट फ्यू गेम्स। एंड द गुड थिंग इज, you know, this team doesn't depend on one or two players. You know, there have been 8 or 9 players performing game after game, so that's a brilliant sign. रवि शास्त्री का भी यही कहना है, इंडिया विल विन दिस वर्ल्ड कप। और अब सीधा चलते हैं अतुल वासन के पास भी। अतुल, एक बड़ी अच्छी बात कही रवि शास्त्री ने कि भारत को कुछ भी अलग नहीं करना है, जो अब तक करते आए हैं अगर बस उतना ही कर लें तो जो 10 में से 10 मार्क्स हमारे चल रहे हैं अभी 10 के 10 मुकाबले जीत कर, वो 11 में 11 भी हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा है, मुझे लगता है कि आप जानते ही हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा विकेट्स इस वर्ल्ड कप में इंडियन बॉलर्स ने लिए हैं, सबसे ज़्यादा रन जो बनाए हैं, मैक्सिमम रन इस वर्ल्ड कप में भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए हैं, तो बोले तो, और लंबी लंबी दूरी से जीते हैं, कम से कम 175 रन के मार्जिन से एवरेज जीते हैं वो, और 64 बॉलें एवरेज है उनका विन रिकॉर्ड जब आपने पहले गेंदबाजी की। मुझे लगता है कि ये बताता है कि जैसे रवि ने कहा है कि आपके एक दो स्टार परफॉर्मेंस नहीं है, एक दो स्टार परफॉर्मेंस जैसे 2019 में रोहित की बहुत सारा सेंचुरीज थी, और उसके अलावा देखिए तो इतने परफॉर्मेंस नहीं थी। इस वर्ल्ड कप में आप 5-6 नाम ऐसे गिन लेंगे जो कि आउटस्टैंडिंग रहे हैं, तो ये बताता है कि सारे कोई ना कोई किसी ना किसी दिन हमेशा काम में आएगा। और बस यही डर है कि वो कहते हैं ना ब्लैक स्वान, हम बार बार बात करते हैं कि वो एक खराब दिन जो सब टीमों का आया इस वर्ल्ड कप में, अभी तक भारत का नहीं आया, वो अब थोड़े दिन तक ना आए तो ठीक है। जी, थोड़े दिन और टाल लीजिए अतुल, और जो आप टोटके करते हैं ना वो करते रहिए, नजर ना लगे बस इन 11 खिलाड़ियों को, क्योंकि हम सबको इंतजार है उस वर्ल्ड कप ट्रॉफी का। अब सीधा चलते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जहां कल ये बड़ा मुकाबला खेला जाएगा, और वहां पर 1,30,000 लोगों की लाइव ऑडियंस मौजूद होगी। ढेरों VVIP भी आने वाले हैं कल का ये मुकाबला देखने के लिए, जिसमें खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शामिल हैं। जीएस विवेक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम से। विवेक, इस वक्त आप जरा वहां का भी नजारा बता दीजिए, और मैंने सुना है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम के आसपास की सिक्योरिटी भी बहुत जबरदस्त हो गई है कल के मुकाबले से पहले। जी हाँ प्रीति, बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी यहाँ पर है, लेकिन आपको मैं फिलहाल अपने कैमरामैन को बोलता हूँ कि कैमरा पैन करें और देखें कि ये वो लोग हैं जो अभी इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि उनको सुनने में आया है कि इंडियन टीम शाम को 6 बजे यहाँ पर प्रैक्टिस करने पहुंचेगी, और उससे पहले ही यहाँ पर इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं टीम इंडिया के सपोर्ट करने के लिए, और इस बात की उम्मीद में कि शायद उनके हाथ वो जो गोल्डन टिकट है यानी कि वर्ल्ड कप के फाइनल का टिकट उनके हाथ लग जाए। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है, टिकट पूरी तरीके से सोल्ड आउट है, और अगर हम 6 बजे की शाम की बात करें तो तब इंडियन टीम यहाँ पर आएगी अपना फाइनल
प्रैक्टिस सेशन के लिए, और उम्मीद यहाँ पर सबको यही है और सबकी नजरें जो हैं वो इस पिच को लेकर है। और ये पिच वही पिच है जहाँ पर भारत ने पाकिस्तान को हराया था, उसी पिच पर यहाँ पर ये फाइनल का मुकाबला खेला जाएगा। पैट कमिंस ने भी कहा कि एक यूज पिच है, पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया इस पिच पर खेल चुकी है, तो उनको उम्मीद यहाँ पर यही है कि बल्लेबाज यहाँ पर रन बनाएंगे, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी बहुत मदद यहाँ पर फास्ट बॉलर्स को भी मिलेगी। और उसी पर उम्मीद पर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम और उसके कप्तान यहाँ पर टिके हैं कि शायद 1,30,000 जो लोग अंदर होंगे उनके सामने और टीम इंडिया के धुरंधरों के सामने अगर वो टिक पाए और थोड़ी बहुत मदद पिच से मिल जाए, उसके बाउंस से मिल जाए, तो शायद उनके पास थोड़ी बहुत उम्मीद यहाँ पर होगी जीतने की। विवेक विवेक विवेक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को भले ही पिच से मदद मिल जाए कल, लेकिन जो लाइव ऑडियंस बैठी होगी, जो भारतीय दर्शक बैठे होंगे, उनसे शायद कोई भी मदद मिलने की उम्मीद ना रखी जाए तो बेहतर है। ज़रा फैन से बात कीजिए, हर कोई इस वक्त चाहता है कि इस स्टेडियम के अंदर किसी तरह से कल एंट्री मिल जाए और हम भारतीय टीम का परफॉर्मेंस देखें इस फाइनल मुकाबले में। जी हाँ बिल्कुल प्रीति, बहुत सारे फैंस यहाँ पर हैं, आइए उनसे कोशिश करते हैं। क्या आपको टिकट मिला कल मैच का, कल मैच से क्या उम्मीद है आपको? हम लोग एक वीक पहले से आए हुए हैं, टिकट हमारे पास है, 2003 का बदला लेने आए हैं, लेके जाएंगे वर्ल्ड कप दिल्ली, लेके जाएंगे। 200 है कल, फॉलो ऑन कराएंगे ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई में, अनबीटन रहेंगे पूरे कप में, दिल्ली लेकर जाएंगे पूरा कप। मंडप से दुल्हन को लेके जाने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं जाएगी वो। मैं चाहता हूँ सारे हिंदुस्तान खुश रहे और किसी को भी गिला शिकवा नहीं रहनी चाहिए, कोई भी गिला शिकवा किसके मन में नहीं रहनी चाहिए, ये तो एक खिलाड़ियों का ऊपर होता है, किसी के मन में बदले की भावना नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो आपने सुना यहाँ पर कि सबको ये लगता है कि इंडियन टीम जो है यहाँ से वर्ल्ड कप जीत के जाएगी, और जाहिर सी बात है कि उनको लगता है इसलिए भी है क्योंकि टीम इंडिया यहाँ पर बहुत लगातार और बहुत शानदार फॉर्म में है। और एक बार फिर सबकी उम्मीद जो है एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा के स्टार्ट पर और फिर विराट कोहली की लंबी पारी पर है। विराट कोहली का क्या 5100 आने वाला है अहमदाबाद में, क्योंकि 50 शतक तो उन्होंने जड़ दिए हैं, सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है, लेकिन 5100 देखिए भारतीय संस्कृति के हिसाब से 51 का भी शगुन होता है, उसका भी सबको इंतजार है। विराट कोहली की बात तफसील से करेंगे, बहुत काफ़ी ज़्यादा बात करनी चाहिए विराट कोहली की, दरअसल पूरे वर्ल्ड कप में उनकी काफ़ी बात हुई है, लेकिन अतुल इस वक्त एक बार बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम की। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जिस तरह से अपने आप को पीक किया है, पहले दो मुकाबले वो हारे, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बाद में 8 मैच वो भी लगातार जीत कर आ रहे हैं इस फाइनल में। जी हाँ, पर फिर भी मुझे लगता है कि देखिए पिछला मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो था बड़ा स्क्रैची था, ऐसा लग रहा था एक तरफा हो जाएगा, पर साउथ अफ्रीका की दाद देनी होगी, उन्होंने फंसा लिया और थोड़ा सा जो यू नो टेंशन वैसे जो नजर नहीं आती ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों में वो थोड़ा सा हुआ। स्टीव स्मिथ की शॉट देख लीजिए आप, बाद में अंत तक चल गया मैच, इतना लंबा 47वां ओवर तक खींच गए, तो ये बताता है कि इस टीम में थोड़ा सा एक सेल्फ डाउट है। हालांकि बड़े बड़े नाम हैं पर अपने बिल्कुल पीक पे पहुंच चुके हैं, मुझे लगता है कि इस टीम में अगले वर्ल्ड कप के लिए 2 या 3 खिलाड़ी बचेंगे, बाकी सब साफ हो जाएंगे, तो इसलिए लगता है कि एक ऐसी मैच्योर टीम है जो कि अब ढलान पे है। और इंडियन टीम में देखा जाए तो ऐसे 6 खिलाड़ी मैं मानता हूँ जो 6 कम से कम 7 अगले वर्ल्ड कप तक रहेंगे, तो इसलिए ये एक्सपीरियंस की भी बात है और ये आपने कॉन्फिडेंस की बात की है और सपोर्ट की बात की है, पर सबसे बड़ी बात है कि हमारा स्पिन अटैक, इस मैच की अगर माइक्रो में बात की जाए और इस पिच की लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पे 300 रन नहीं बने अभी तक किसी टीम के, और इस लिहाज से देखा जाए स्पिनर्स ने अपना रोल निभाया, हमारे पास 2 वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, एक हमारा टॉप वाला स्पिनर जो है वो अभी बेंच में बैठा है, उसको मौका नहीं मिल रहा अश्विन को, उसके बावजूद भी हमारी टीम देखिए जीत रही है। लेकिन देखिए अतुल, आप हमेशा मुझे टोकते हैं कि अपनी टीम की गाथाएं गाते रहते हो, जरा दूसरी टीम को भी देख लो, वो भी यहाँ खेलने के लिए आए हैं। तो अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, आपने ये कहा कि वो एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं, माना कि इसमें से बहुत सारे खिलाड़ी अगले विश्व कप तक नहीं पहुंचेंगे, रिटायर हो जाएंगे, लेकिन आप देखिए स्टीव स्मिथ हो, डेविड वॉर्नर हो, ग्लेन मैक्सवेल हो, पैट कमिंस हो, मिचेल स्टार्क हो, ये तमाम खिलाड़ी जो है बिग मैच प्लेयर्स हैं, और जब बड़ा मौका आता है, बड़ा मंच होता है, तो ऑस्ट्रेलिया के तेवर ही कुछ अलग होते हैं। हाँ ये बात तो है, मुझे लगता है जो जीनियस होते हैं, जो लेजेंड्स होती हैं, वो बड़े गेम में अपनी बेस्ट गेम लेके आते हैं, और इसीलिए विराट कोहली से बड़ा तो है नहीं रोहित शर्मा से, तो उनकी भी तो काउंटर करने के लिए हमारे बिग मैच गन्स जो है वो आएंगी, पर नाम है ज़रूर है, मुझे लगता है कि मिचेल स्टार्क ऐसे गेंदबाज हैं जो छाए नहीं इस वर्ल्ड कप में, पर उनमें ऐसा मादा है कि ऐसा एक अगर ओपनिंग बस्ट मार दें और 2-3 विकेट निकाल दें तो मैच पलट सकते हैं, पर फिर भी मुझे लगता है कि अब अप्रोच देखनी होगी इंडियन प्लेयर्स की कि क्या मिचेल स्टार्क को और हेजलवुड को अटैक करेंगे कि थोड़ा सा प्ले आउट करेंगे, पर यहाँ पे अगर दिन में गेंदबाजी आती है मुझे लगता है तो यहाँ पे स्पिनर्स को दोपहर में धूप में ज़्यादा फायदा मिल रहा है,
और उनका स्पिनर जो है एडम जैम्पा वो इकलौता स्पिनर है, तो मुझे लगता है उसकी जो मिस्ट्री है वो सब देख चुके हैं, उसको आसानी से खेल रहे हैं, हालांकि विकेट ले रहे हैं, पर वो ऐसा नहीं है शेन वॉन जैसा कि मैच निकाल के ले जाएगा। जी चलिए ठीक है, एक बार फिर से जीएस विवेक के पास चलते हैं क्योंकि वो वहां मौजूद है जहां इस वक्त पूरे हिंदुस्तान से हर क्रिकेट फैन होना चाहता है। मैं बात करूं नरेंद्र मोदी स्टेडियम की, और विवेक इस वक्त बहुत सारे फैंस से भी घिरे हुए हैं। विवेक, फैन से भी बात करते रहिए और जरा हमें ये भी बताइए कि आज 6 बजे के बाद टीम इंडिया ने जो प्रैक्टिस का टाइम चुना है, क्या शाम के समय में प्रैक्टिस करना चाहती थी टीम, किस तरह की पिच है? क्योंकि एक बार फिर से हमने देखा कि रोहित शर्मा पूरी टीम मैनेजमेंट जो है बड़े क्लोजली पिच को देख रहे थे, किस तरह से हरकत कर सकती है अहमदाबाद की यह पिच जिस पर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा? देखिए प्रीति, फिलहाल अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही है, और आपने और अतुल ने अभी बात करी ऑस्ट्रेलियन टीम की, तो बस एक चीज़ हमको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि इस टीम में 15 में से 6 लोग वो हैं जो 2015 का वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, और इस 15 में से 12 लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई वर्ल्ड कप यहाँ पर जीत चुके हैं, तो उन्हें बिग मैच एक्सपीरियंस का है। और रही बात यहाँ पर इंडियन टीम की, इंडियन टीम शाम कल यहाँ पर आए थे, यहाँ पर ईशान किशन, रोहित शर्मा, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, अश्विन, प्रसिद्ध कृष्णा, एक ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था, वो यहाँ आए थे। लेकिन आज उम्मीद यहाँ पर यह है कि जो बिग प्लेयर्स हैं यानी कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सब आएंगे यहाँ पर और अपने यहाँ पर बैटिंग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। फास्ट बॉलर्स की यहाँ पर आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि आमतौर पर हर प्रैक्टिस सेशन पे शाम को जब होता है तो हम नहीं देखते हैं कि जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद शमी आते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो रेस्ट करना प्रेफर करते हैं। तो एक अंडर लाइट यहाँ पर होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस है, दिन के टेम्परेचर में और शाम के टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस है, करीबन 8 से 9 डिग्री का फर्क है, तो वो एक फैक्टर होगा, लेकिन वो मैच के आखिरी हिस्से में होगा। तो यहाँ पर उम्मीद यहाँ पर यही है कि जो पहला हिस्सा होगा शाम के टाइम का, और जो अतुल ने यहाँ पर बात करी कि जो पहला स्पेल है जोस हेजलवुड, मिशेल स्टार्क का, और हम सबको अभी भी 2003 के बदले की हम बात कर रहे हैं, तो 2003 में हम सबको याद होगा कि ग्लेन मैकग्रा ने एक बाउंसर फेंका था, सचिन तेंदुलकर ने उसको हुक करने की कोशिश करी थी और ऊपर हवा में बॉल खड़ी हो गई थी, और कुछ ऐसा ही जोस हेजलवुड ने पहले मैच में विराट कोहली को बॉल डाला था, विराट कोहली ने वो स्काई किया था लेकिन वो कैच जरूर छूट गया था। तो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स और उनका जो जितना प्लान थोड़ा बहुत मुझे पता चला है ऑस्ट्रेलियन के थिंक टैंक के थ्रू बात करते हुए, तो उन्होंने वहाँ पर बाउंसर्स का वो कह रहे हैं कि अच्छा इस्तेमाल होगा और स्लोवर कटर्स, और अगर हमने देखा हो कि सेमीफाइनल में खासतौर पर पैट कमिंस ने जो बॉल को इन द पिच बॉल फेंका, स्लोअर बाउंसर्स का यूज़ किया, वो सब टैक्टिक्स को उनको उम्मीद ये है कि शायद उससे रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर और केएल राहुल को वो कंट्रोल कर पाए। जी चलिए ठीक है, तो फिर इस तरह से जो है ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी पूरी स्ट्रैटेजी तैयार कर रखी है, इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों ही टीम्स के लिए ये बहुत बड़ा मुकाबला है, दोनों ही टीम्स चाहती हैं कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उनके हाथ लगे। 8 बार के चैंपियन है ऑस्ट्रेलिया, जल्दी घुटने टेकने वाली टीम बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर अतुल बात की जाए, जिस तरह की तस्वीरें आई हैं नेट प्रैक्टिस सेशन से कल के, अश्विन को भी बॉलिंग करते हुए देखा गया है, आपको लगता है कोई गुंजाइश है यहाँ पर बदलाव की प्लेइंग 11 में भारतीय टीम की तरफ से, या फिर नहीं, जो कॉम्बिनेशन इतना सक्सेसफुल रहा है उसी के साथ रहना चाहिए? नहीं, मुझे लगता नहीं है कि 3 सीमर से कम हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और 2 स्पिनर्स काफ़ी होते हैं। मुझे लगता है कि चाहे बहुत अखाड़ा हो जाए तो अलग बात है, पर पिच इतनी ख़राब तो होगी नहीं, हालांकि दूसरी पिचेस के मुकाबले या थोड़ा सा स्लो रहेगा और थोड़ी सी मदद रहेगी, थोड़ी बॉल ग्रिप करके आती है, और शाम को हमने देखा है कि बल्लेबाजी थोड़ी आसान हो जाती है, जिस तरह से हमने भारतीय मैच हुआ था जब पाकिस्तान के साथ, तब भी हमने देखा था कि शाम को थोड़ी सी कंडीशंस बेटर थी। पर जो जीएस विवेक ने बात की है, देखिए स्ट्रैटेजी कुछ तो लाना होगा, आप नॉर्मल खेल के ऐसी बढ़िया खेलती हुई टीम को हरा नहीं सकते, तो ऑस्ट्रेलिया को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना है, और अगर बाउंसर का इस्तेमाल कर रहे हैं उल्टे भी पड़ सकते हैं उनको, क्योंकि आजकल डरता नहीं कुछ फास्ट बॉलिंग से, प्रेफर करते हैं जितनी बॉल तेज आती है, बल्लेबाज चाहते हैं कि तेज आए और तेज निकल जाए, जहां फंस के आता है बॉल और जहां कटर्स की बात कर रहे हैं वैसी स्ट्रेटजी। पर जो लेंथ खिलाई गई है, जो हमारे गेंदबाजों ने टेस्ट मैच लेंथ जो है, गुड लेंथ जो है, वो ऑस्ट्रेलिया की नेचुरल लेंथ है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उनकी नेचुरल लेंथ जो होती है वो जस्ट शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ होती है, हल्की सी भी अगर मदद मिल जाए तो उसके बाउंस मिल जाए तो वो खतरनाक हो सकती है। चलिए हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि कल कोई भी ऑस्ट्रेलिया का गेंदबाज खतरनाक ना साबित हो, और अगर किसी गेंदबाज को अपनी छाप छोड़नी है तो फिर भारतीय लिस्ट में, भारतीय प्लेइंग 11 में बहुत से ऐसे गेंदबाज हैं, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज जैसे, जो अपनी छाप छोड़े और भारत को ये ट्रॉफी दिलाए। हम सबकी निगाहें टिकी है कल दोपहर होने वाले भारत और ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप फाइनल पर, कौन जीतेगा किसी भी भारतीय से पूछ लीजिए, किसी को संदेह नहीं है, हर कोई यही चाहता है, यही कह रहा है कि हम ही जीत रहे हैं वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। लेकिन एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जहां पर जीएस विवेक हमारे साथ मौजूद है। विवेक, क्या कोई भी आपको फैन ऐसा टकराया है जो ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा बहुत भी चांस दे रहा हो?
अगर आपको सुनना है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्या हो रहा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। 100 पक्का इंडिया जीतेगा, नो डाउट, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है। कल हमारी टीम जीत रही है, वर्ल्ड कप से पहले ओडीआई मैच हुआ था उसमें भी हम लोगों ने इनको हराया है, तो इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस हमें पता है और हम लोग कल जीत रहे हैं। इंडिया 100% जीतने वाली है क्योंकि आपने सभी फॉर्म प्लेयर जो है फॉर्म में है, बॉलिंग से लेके बैटिंग फील्डिंग सभी तीनों फील्ड में परफेक्ट हो रहा है। तो फिर टीम इंडिया के लिए एक बड़ी सी जोरदार जय हो जाए। यहाँ पर पूरी तैयारी है यहाँ पर, क्योंकि आप सुन सकते हैं कि शायद मुझे अगर आप कुछ बोलेंगे तो आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ भारत माता की जय के यहाँ पर गुणगान हो रहा है, क्योंकि अभी कुछ ही देर में यहाँ पर टीम इंडिया यहाँ आने वाली है अपना फाइनल प्रैक्टिस सेशन के लिए। और प्रीति, एक चीज़ मैं यहाँ पर बार बार दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम प्लेयरों की बात कर रहे हैं, विराट कोहली की बात कर रहे हैं, रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं, लेकिन एक शख्स के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं और हम वो है कोच राहुल द्रविड़। अगर आपने चक दे मूवी देखा हो तो कबीर खान का वो किरदार आप याद रखना, इंडिया का सबसे खराब वर्ल्ड कप 2007 का था जब राहुल द्रविड़ कप्तान थे, और आज वही राहुल द्रविड़ कोच बनकर पूरे टीम को और 40 प्लेयर को, 4 साल में 40 प्लेयर को उन्होंने रोटेट करके ये विनिंग कॉम्बिनेशन निकाला है। सबको लगा हॉर्सेस फॉर कोर्सेस होगा, आखिरी के 6 मैच में टीम इंडिया ने कोई बदलाव नहीं किया। हमें यहां पर अच्छा खासा क्रेडिट राहुल द्रविड़ को भी यहां पर देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और विवेक, चक दे इंडिया मूवी का ही एक और डायलॉग है कि यहाँ पर ना किसी खिलाड़ी के नाम होंगे ना किसी राज्य के नाम होंगे, सिर्फ एक नाम होगा और वो है इंडिया, और इंडिया को ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतनी है। कल के मुकाबले को लेकर कुछ दिलचस्प आंकड़े भी हमने आप सबके लिए इकट्ठा किए हैं और वो आंकड़े इस वक्त हमें दिखा रही है मेरी सहयोगी शिरीन। चलते हैं स्टूडियो, शिरीन। बिल्कुल प्रीति, दिलचस्प आंकड़े, क्योंकि कल आंकड़े कितने बदलेंगे, कौन सा रिकॉर्ड बनेंगे, ये तो कल की बात, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी बातें, कुछ जरूरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहां पर दिखा देते हैं। और ये देखिए, सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले विश्व कप 2023 में, यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं रोहित शर्मा जिन्होंने 28 छक्के जड़े हैं, 24 छक्के डेविड वार्नर ने, श्रेयस अय्यर की बात करें तो 24 और ग्लेन मैक्सवेल 22। यहां पर सबसे ज्यादा नंबर जो है, जो आंकड़ा है, वो रोहित शर्मा का 28 छक्के इस विश्व कप 2023 में। अतुल, क्या लग रहा है, क्या फेर बदल होगा, कौन लीड करेगा? देखिए, छक्कों में लीड करें ना करें, मुझे लगता है कि रन बनने चाहिए, पर ये नेचुरल प्लेयर्स, स्ट्रोक प्लेयर्स हैं, और श्रेयस अय्यर का नाम इसमें है तो मुझे खुशी है, क्योंकि ये जाने जाते नहीं है बड़े शॉट्स के लिए, पर इतनी क्लीन, इतनी फेयरनेस बैटिंग जो की है उसका श्रेय मैं रोहित शर्मा को देता हूँ, क्योंकि वो देखते हैं कि भाई किस तरह से आप अटैक करते हैं ओपनिंग बॉलर्स पे, तो उनको, इनका भी दिल खुल जाता है। और विराट कोहली ने जो बड़े रन बनाए हैं वो इसी के बदौलत है कि रोहित शर्मा ने पहले जो काउंटर पंच करके उनके फास्ट बॉलर्स को पीछे धकेल देते हैं और क्लीन हिट करते हैं। देखिए, क्योंकि ये छक्के आसानी से मारते हैं इसलिए क्योंकि उनके माइंड में वो होता नहीं है, वो जब जाते हैं शॉट के पीछे तो सोचते हैं कि वो फ्लो में, उनका बॉडी जो फ्लो चलता है उसी में क्लियर कर जाते हैं। बिल्कुल, तो अब देखना होगा कि ये जो टैली इस वक्त हम देख रहे हैं इसमें कितना फेर बदल होता है, ये तो कल होने वाले मैच के बाद ही साफ हो पाएगा। चलिए, एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं अहमदाबाद मेरी सहयोगी प्रीति के पास। शुक्रिया अश्विन, और देखिए फेरबदल आंकड़ों में होता रहे, लेकिन हमें परिणाम जो है वो सिर्फ एक चाहिए, क्योंकि इतनी जबरदस्त इस टीम की जो परफॉर्मेंस रही है, 10 के 10 मैच जीतकर फाइनल मुकाबले तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं है, तो ये टीम जो है पूरी दुनिया इस वक्त कह रही है कि वेल डिजर्विंग टीम है जिसे ये वर्ल्ड कप जीतना है और दावेदारी प्रबल है। तो चलिए, आप सबका बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और विश्व विजेता और वर्ल्ड कप फाइनल की बड़ी कवरेज लगातार हम आप तक लाते रहेंगे एबीपी न्यूज़ पर। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत।